हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार दर्पण। तो यूपी में लेखपाल की एग्जाम बहुत ही जल्द हो जाएगी, तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देना होगा। तो उसमें से एक पार्ट जो है वो ग्रामीण परिवेश का है, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसकी तैयारी इस चैनल पे करवाई जा रही है, और इससे पहले ढेर सारे क्वेश्चंस पहले भी करवा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड होंगे और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे कुछ डेटा वाले क्वेश्चंस है, जो कि डायरेक्ट आपको ईयर्स वगैरह नजर आएंगे और तिथि वगैरह, तो उन सबको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की ये सीरीज शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको बता रहा है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पंतनगर में। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, सघन कृषि जिला कार्यालय कब शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1960 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे डेटा वाले क्वेश्चन, साल वाले, ईयर वाले डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, और आप लोगों को केवल याद रखना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु घटाकर कितनी कर दी गई। देखिए 1994 में एक संशोधन किया गया था, इसमें कि जो अधिनियम पास हुआ था उसमें ग्राम प्रधान की, ठीक है, ग्राम प्रधान की पहले एज हुआ करता था 30 साल, उसको घटा के 21 साल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 साल। चौथा क्वेश्चन है, तहसीलदार, उप संभाग और परगना को आरोही क्रम में हो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रम में लगाना है, तो ये तीनों दिया हुआ, तीनों को क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा ग्राम परगना, फिर तहसील, फिर उसके बाद उप संभाग। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे डेटा वाले क्वेश्चन है, इनको ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन उपकरणों का प्रयोग भूमान में किया जाता है। ठीक है, तो जमीन नापने के लिए कौन कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जरीब कंपास होता है, ठीक है, और ये थियोडोलाइट, ये थियोडोलाइट और जरीब कंपास, इसको हम लोग जमीन मापने के लिए यूज करते हैं। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक में दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई गांव में कोई खंड है, उसको विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोला जाता है, खसरा, खसरा बोला जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सोना से किस फसल को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अफीम को हरा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी नागपुरी आदर तथा लड्डू किस फल की किस्में हैं। ठीक है, देसी नागपुरी आदर तथा लड्डू, ये जो है संतरा के टाइप्स है, याद रखिएगा, संतरा के जो है ये वेराइटीज है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक महत्व खाद्यान्न फसल, ठीक है, खाद्यान्न फसल पूछा जा रहा है, यहाँ तक गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह जहानी गरीब की कुल लंबाई कितनी होती है। ठीक है, शाहजहानी गरीब की यहाँ पे हम लोगों को लंबाई बताना है, यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, 165 फीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शुष्क खेती में वार्षिक की वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। ठीक है, शुष्क खेती में 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है, इससे ज़्यादा वर्षा होने पर मैक्सिमम जो आपका फसल है वो बर्बाद हो जाता है, इसलिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो शुष्क खेती में जितने भी फसल है वो आपको परफेक्ट रिजल्ट देते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण को क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है ओवरी कल्चर, याद रखिएगा, ओवरी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगने से है। ठीक है, देखिए युग्म पैदावार मतलब क्या होता है, एक ही साथ दो फसल, एक ही अगर एक ही जगह हम लोग दो दो फसल लगा देते हैं तो उस तरह का फसल क्या बोला जाता है, वो युग्म पैदावार। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि मान लीजिए चना है तो चना के साथ सरसों डाल दिया जाता है, या फिर ऐसे भी कहीं दो फसल को मिला के डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है, पाद पालय एक सुविधा है, नियंत्रित परिस्थितियों में
पौधे लगाने के लिए, ठीक है। पादपाले क्या होता है, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे लगाने के लिए उसको पादपाले बोला जाता है। भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है, ठीक है। दलहन जो है वो 55% अपना उत्पादन कर लेता है, जो भी दाल है, बाकी के 45% जो है वो दूसरे देश से लाया जाता है। तो गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है, गोकुल ग्राम योजना, ठीक है। तो गोकुल ग्राम योजना जो है इंपॉर्टेंट है, गुजरात के लिए है। वैसे तो ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड नहीं है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुफरी फसल की किस्में है, ठीक है। तो कुफरी फसल में आलू आता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आलू, ये मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है, ये बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था, ठीक है। इसका क्या होगा, सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। ईस्ट जो ईस्टर्न पार्ट था सोवियत संघ का, तो उसमें जो है ये पहले शुरू हुआ था। तो ईस्टर्न पार्ट जो अभी है वो पूरा का पूरा रशिया बन चुका है, ठीक है। धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो धूसर क्रांति जो है वो आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ठीक है, उर्वरक, उर्वरक, याद रखिएगा। बी एम व्यास समिति किससे संबंधित है, तो बी एम व्यास जो होती है वो कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो इसका आसान क्वेश्चन है, आधारभूत इकाई हमारा गांव है, ठीक है। ग्राम सभा निर्मित होती है, ग्राम सभा निर्मित कैसे होती है वो बताना आपको, पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों से, ठीक है। पंचायत क्षेत्र में जितने मतदाता है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन है वही जो है डिसाइड कर सकते हैं, ग्राम सभा निर्मित होती है उसी के थ्रू, ठीक है। समूह कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आप रदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे समूह कृषि बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत में सामान्यता खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, मिश्रित खेती, ठीक है, मिश्रित खेती यहाँ पे अपनाई जाती है। नेक्स्ट है ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, ये जो सिंचाई का जो टेक्नोलॉजी है ये इसराइल से आया था, ठीक है। तो आपको पता होगा इसराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, या बोले कि दुनिया में सबसे आगे है तो भी गलत नहीं होगा। तो ये ड्रिप सिंचाई जो है वो इसराइल से ये टेक्नोलॉजी लाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ, तो नवंबर 1904, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गांव का नक्शा कहाँ जाता है, गांव का नक्शा जो है वो सदरा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 साल, 21 ईयर्स, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, खसरा में कितने खाने होने चाहिए, ठीक है, खसरा में कितने खाने होने चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 21 खाने होना चाहिए, ठीक है। जो खेती करते हैं खसरा का वगैरह जो उगाते हैं या फिर जिनके पेरेंट्स करते हैं उनको ये पता होगा कि ये 21 खाने की होनी चाहिए। तो आज के लिए 30 क्वेश्चन रखते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत जल्द आपको पेश कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे यूपी में लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि किसी प्रकार को उनको कोई दिक्कत ना हो और ये वीडियो देख के उन्हें बेसिक चीज की चीज़ों का आइडिया मिल पाए। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, और अगर इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर ले, ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चले मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।